हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो। और मैंने सुबह एक पोल डाला था और सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं नो कांटेक्ट और उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, मतलब नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स क्या है, इसके बारे में आप लोग जानना चाहते थे, तो हियर इट कम्स। ये वीडियो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है। जब कभी भी ये वीडियो आपके सामने आता है, डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। मैं दरख्वास्त करती हूँ आप सबसे कि प्लीज़ स्किप मत करिएगा, आखिरी तक वीडियो देखिएगा। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट मैं कहीं पर कुछ बोलती हूँ और आप अगर वो मिस कर देते हो तो लॉस होगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो दी ने बताया था और हमने तो स्किप कर दिया जल्दबाजी में। तो छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूँगी मैं। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स स्टार्ट। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग? ओके, द टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे सबसे पहले। ओके, लेट्स सी व्हाट मोड वी हैव। ओके, द सन लियो एनर्जी है। मे बी आप किसी लियो से डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो से। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस। ठीक है, व्हाट मोड वी हैव। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ? हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग? हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग? हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग राइट नाउ? क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में? ओके, ये है द चैरियट, ये है कैंसर एनर्जी। चलिए और देखते हैं, व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक? हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक? कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक? हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक? हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक? द हैंग्ड मैन पाइसिस। ओके, हर कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, दे आर डिवास्टेटेड, नॉट हैप्पी, वेरी हर्ट, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत हर्ट है उनका। जैसे कि हैप्पीनेस सोर्स ही ख़त्म हो चुका है। ये पर्सन मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एंड जो अभी तक आप दोनों का सेपरेशन जिस वजह से हुआ था, दैट इज़ स्टिल हर्टिंग देम एंड हॉन्टिंग देम। ठीक है, अभी मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ एंड फिर हम लोग डीप में देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। टावर क्यों है यहाँ पे? व्हाट्स दिस टावर अबाउट? आई वांट जस्ट वन कार्ड टू क्लैरिफाई। टावर क्यों है यहाँ पे? योर पर्सन्स फीलिंग्स। ओके, ये है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। सन, व्हाट इज़ दिस सन कार्ड अबाउट? थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पे और सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, व्हाट इज़ दिस थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? What is this Three of Swords about? Star, Aquarius, next Chariot क्यों है यहाँ पे? What is this Chariot here? ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी। ये है High Priestess, Taurus and Hanged Man क्यों है? Ace of Wands। Okay, cards के signs मैंने बता दिए हैं। Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, फिर से कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। व्हाट्स हैपनिंग इज आपके पर्सन, व्हाट फर्स्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ विद दिस टावर क्लैरिफाइड बाय द नाइट ऑफ कप्स, दे आर नॉट हैप्पी। ओके, दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस नो कांटेक्ट सिचुएशन। ये पर्सन ही होंगे जो आप दोनों के बीच की ये नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। दे आर वेरी क्लोज टू एक्सप्रेसिंग समथिंग, दे विल ब्रेक द आइस। वो खुद एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को आपके सामने बहुत ही जल्द, और दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस सेपरेशन, वॉट एवर जो भी आप दोनों में। आई थिंक आप दोनों ने इस पास्ट में कोई बहुत बुरी सिचुएशन झेली है या फेस की है। ठीक है, जिसके वजह से आज आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ विद द सन कार्ड क्लैरिफाइड बाय द थ्री ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है इन्होंने अपनी हैप्पीनेस कहीं और ढूंढी, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी और सिचुएशन में, एंड वो एक फेल्ड सिचुएशन साबित हुई। उन्हें लगा कि मेरी हैप्पीनेस वहाँ पे है और उन्होंने आपको छोड़ा या नो कांटेक्ट में डाला या सेपरेशन में डाला, एंड नाउ दे आर आल्सो ट्रबल्ड। वो खुद ही अभी हैप्पी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, वो टाइम जो आप दोनों ने एक साथ स्पेंड किया, वो अच्छा वक्त जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, वो उनको हैप्पीनेस दिया करता था, एंड नाउ उनको सारी ही चीज़ें बहुत आउट ऑफ फोकस लग रही है। ठीक है, वेरी हर्ट, वेरी हर्ट, बट स्टिल होपफुल। हर्ट तो है ये पर्सन, बट होप्स
हारे नहीं हैं इन्होंने अभी तक, होप्स बहुत हाई है, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और दुखे हुए दिल से भी प्यार करने की कोशिश हुई की जा रही है. मूवमेंट चाहते हैं बट मे बी किसी की सलाह मशवरा चल रही है. दे वॉन्ट टू मैरी यू, मैनी ऑफ यू दे वॉन्ट टू मैरी यू ट्रेडिशनली, मतलब किसी की दिल दुखा के या झूठ बोल के या आपको भगा के लेके जाना नहीं चाहते हैं. बहुत प्रॉपरली आपसे यू नो हर एक फेज को पार करते हुए दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड विथ यू. मुझे ये भी लगता है मे बी इनको किसी की बहुत वैल्यूएबल अच्छी एडवाइस मिल रही है, ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर, जो कि मे बी आप दोनों के बीच के नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर दे. मुझे ये भी दिख रहा है कि दे वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और उनके तरफ से ही एफर्ट्स डाले जाएंगे. ओके, सो दैट इज़ वॉट आई सी हियर. अभी हम लोग और देखते हैं, वॉट डू वी सी, इन कार्ड्स को रख देते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिग डीप उनके फीलिंग्स में. हाउ आर दे फीलिंग? नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स कैसे हैं इस वक्त इस रिश्ते के लिए? नो कॉन्टैक्ट में उनके फीलिंग्स कैसे हैं इस रिश्ते के लिए? नो कॉन्टैक्ट में उनके फीलिंग्स कैसे हैं इस रिश्ते के लिए? हाउ आर दे फीलिंग? पहला कार्ड हमारे पास है फाइव ऑफ वॉन्स, स्ट्रगलिंग मे बी अपने आप से, मे बी कुछ लोग हैं इनके आसपास जो इनको रोक रहे हैं या मे बी कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई है जो इनको नहीं आपके पास आने दे रही है. नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, क्वाइट पैशनेट अबाउट यू. नाइट ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, मे बी अचानक से आए या फिर अचानक से आप दोनों का कॉन्टैक्ट हो एंड दे विल बी यू नो लैशिंग आउट ऑन यू, मे बी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट. एंड यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फिर से फेल्ड सिचुएशन. ओके, फॉर मेनी ऑफ यू ये पर्सन को लगता है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है और मैं क्या कर सकता हूँ. वॉट मोर, वन मोर कार्ड, आई वॉन्ट वन मोर कार्ड. सिक्स ऑफ कप्स, रेमिनिसिंग द ओल्ड डेज. ओके, कार्ड्स के साइंस बता देती हूँ आपको. एरीज, लियो, सैगिटेरियस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. देखिए जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ अभी इन कार्ड्स को देखकर, ये पर्सन मे बी इनको कोई रोक रहा है या इनके खुद के थॉट्स ही इनको रोक रहे हैं आपके पास आने से. पैशनेट है बट अभी तक शायद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, बट दे आर ऑन देयर वे टू टेकिंग एक्शन, मेकिंग themselves ready. मुझे लगता है हो सकता है किसी argument से आप दोनों की बातों की शुरुआत हो या कुछ they want to clear something out, या फिर you know why are you not talking to me, अगर मैंने बात नहीं की तो तुमने क्यों नहीं बात की, something like that. ठीक है, कोई drama create होगा definitely. मुझे ये लगता है इनको लग रहा है कि मैंने तो भाई अपनी साइड से बहुत कुछ किया और क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैंने तो हर चीज़ अपनी दे दी, यू नो. एंड दे आर रेमिनिसिंग द ओल्ड डेज, पुरानी यादें, पुरानी चीज़ों में खोए हुए हैं. ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड. फाइव ऑफ वॉन्ट्स क्यों है यहाँ पे इस पर्सन के एनर्जी में, इस पर्सन के फीलिंग्स में? इनको ऑब्स्टैकल्स भी दिखाई दे रहे हैं बट शायद दे आर रेडी टू फेस एनी थिंग. ओके, तो आपके लिए फाइव ऑफ वॉन्ट्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो चाहे इनके लाइफ में कितने ऑब्स्टैकल्स क्यों ना आ रहे हो, मे बी इनके अराउंड कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है या इनको कोई रोक रहा है या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो इनको रोक रही है फ्रॉम कनेक्टिंग टू यू, फिर भी दे वैल्यू यू. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपकी जगह इनके लाइफ में कोई नहीं ले सकता चाहे लोग इनको कितना ही रोकने की कोशिश क्यों ना करें. किंग ऑफ वॉन्ट्स क्यों है? फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दे आर रेडी और मेकिंग देमसेल्व रेडी रिश्ते पे काम करने के लिए, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने आप को यू नो फास्टनिंग देयर सीट बेल्ट्स. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर हर्ट विदाउट यू, ऐसे वो नहीं रह सकते आपके सिवा. किंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? या टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाइंग द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. मे बी अगर आपके लाइफ में कन्फ्यूजन था या उनके अंदर कन्फ्यूजन था तो वो फाइनली उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको ही ब्लेम करेंगे. ठीक है, तो ड्रामा ड्रामेटिक पर्सन है ये. ठीक है, थोड़ा बच के रहियो. सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाइंग द सेवन ऑफ पेंटिकल्स. मे बी उनको लग रहा है कि आप बहुत स्टबर्न बन रहे हो, आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, आपने अपना डिसीजन मे बी ले लिया है, आप नहीं इनसे डील करना चाह रहे हो. इनको आपका एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं लग रहा है और इनको लग रहा है कि भाई मैंने तो बहुत कुछ किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते में. सिर्फ सिक्स ऑफ कप्स, दे विल कम बैक एंड ऑफर यू, मे बी सॉरी बोले, आपको कोई गिफ्ट दे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, बट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन टू. ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? इतने कार्ड्स नहीं चाहिए बाबा, आई वॉन्ट ओनली वन कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई.
six of cups, angel, spirit guides. Yeah, they want to marry you. This person is deadly in love with you. ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एंड वो आपको अपने ऑलरेडी एम्प्रेस है टॉरस, वो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरह ऑलरेडी देखते हैं. ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है. कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला है अपने दूसरे चैनल पे, या फिर मे बी इसके बाद डालू, आई डोंट नो ऑर्डर क्या होगा, बट वो ज़रूर देखेगा. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आपके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस पर्सन, आपके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है देयर हियर एंड नाउ. मे बी आप एक तो बहुत पास्ट में घुस रहे हो, एक तो बहुत फ्यूचर में घुस रहे हो. सो कम बैक, अभी इस वक्त का वेट करो, इस वक्त के बारे में सोचो. ठीक है, अपने आप को इम्पल्सिव मत करो, टेंशन में मत लेके जाओ. और फ्रेंड, आप बहुत लेफ्ट आउट और बहुत, आप कुछ नौटंकी बस कम नहीं हो. ये क्या है, मतलब दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे के स्कोप में क्यों बैठे हो? इतना कुछ हुआ नहीं है. दे आर गोइंग टू कम बैक, दे लव यू. थोड़ा सा होता है, ठीक है, इतना फिल्मी मत हो जाओ. फ्लेक्सिबल, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो कैसे होगा भाई. ठीक है, चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं. हैंड रिटन मैसेजेस किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकते हैं, के हो सकते हैं, डजंट नीड टू बी ऑफ लव लाइफ. लव येस नो सेशन भी करते हैं. रुको, फाइव मैसेज आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है. फाइव मैसेज, वन टू, एंजल्स प्लीज गाइड अस, आपको क्या जानना ज़रूरी है इस वक्त. थ्री फोर एंड वन मोर, क्या जानना इस वक्त ज़रूरी है. ओके, सीक्रेट लवर हो सकता है, उनके अलावा भी कोई आपसे सीक्रेटली प्यार करता है. मे बी आपका ध्यान दी है. इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करिए. आपका इंट्यूशन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है. टेक्स्ट और कॉल आ सकते हैं इस पर्सन के अनएक्सपेक्टेडली. फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, बिलीफ, अपने बिलीफ्स कुछ बना रखे, अपने मनगढ़ंत. प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्टिंग बनिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनने की जैसे मैंने कहा ज़रूरत है. लव स्क्रोल्स देख लेते हैं. फर्स्ट लव स्क्रोल है, won't leave you, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए, they won't leave you. Next हमारे पास है we will meet soon, तो आप दोनों ज़रूर और बहुत जल्दी मिलोगे. अगर आपकी विश थी कि वो आपसे मिलने आए या मिले, बहुत ही जल्द. ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो कुछ भी हो जाए, कुछ रीज़न है उसके बिहाइंड, तो ट्रस्ट करिए उस प्रोसेस पे. नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेजेस है, लव यू ऑलवेज, तो वो हमेशा आपसे प्यार करेंगे. मे बी ये रिपीटेटिव आया है मैसेज. नेक्स्ट हमारे पास आपके लिए जो मैसेज है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो आप उनका पहला और आखिरी प्यार हो. पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, मुझे तुमसे मिलना है. तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो या कभी मिले नहीं हो, मे बी ऑनलाइन, आजकल तो ऐसी ही डेटिंग चल रही है ऑनलाइन ऑनलाइन, तो मे बी मिलने आने वाले हैं. मे बी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े आपको, थोड़ा झुकना पड़े, थोड़ा अपने अपने आप को थोड़ा ढीठ अगर बने हो तो उससे बाहर निकलना पड़े. क्या मेरी याद आती है? तो ये पर्सन जानना चाहते हैं कि क्या आपको उनकी याद आती है. डू यू मिस देम, मिस एवरीथिंग, तो वो हर एक चीज़ मिस करते हैं आपसे रिलेटेड, जो भी बातें थी. सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली मिस करते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे सब ठीक होगा. तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ठीक होने वाला है, तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन है, सब ठीक होगा. लास्ट मैसेज है यहाँ पे फॉरएवर, तो वो आपको अपना फॉरएवर मानते हैं. ठीक है, और आप दोनों फॉरएवर एक साथ रहोगे. तो बस इतनी रीडिंग कैसी लगी रीडिंग. अगर पसंद आई है तो लाइक कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिए. ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.